लोगों की आवाज को। सवाई माधोपुर गंगापुर वालों की आवाज ऐसी होगी क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सहकारिता से समृद्धि के संकल्प की मुट्ठी बीचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित लोकसभा के अध्यक्ष और राजस्थान के ही धरती पुत्र श्रीमान ओम बिरला जी, इफ्को के चेयरमैन श्रीमान दिलीप सांगाणी जी, राजस्थान में प्रतिपक्ष के नेता श्रीमान राजेंद्र सिंह राठौड़ जी, हमारे तीनों संसद सदस्य, जरा खड़े हो जाइए भाई, खड़े होकर राम राम करो सबको, तीनों संसद सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता मीणा जी, किरोड़ीलाल जी खड़े हो जाइए, किरोड़ीलाल जी, इफ्को के एमडी हमारे अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित सारे कोऑपरेटिव लीडर और श्री क्षेत्र से आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं, आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी का आज इस सहकारिता सम्मेलन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक केसरिया भूमि पर मैं आप सभी को नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। यहां के धुंधेश्वर महादेव, माधव गोविंद मंदिर और बालाजी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आज मैं यहां आया हूं तब हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय वेद गोविंद सहाय जी को भी नमस्कार करना चाहता हूं, उनको याद कर श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाई बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप सभी लोग बैठ जाओ। गहलोत साहब ने कुछ लोग भेजे हैं, 5 मिनट अपना कार्यक्रम कर चले जाएंगे। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, आज मैं यहां आया तब, सारे लोग बैठ जाइए भाई, उनकी ओर मत दिखिए, बैठ जाओ सारे लोग, सारे किसान भाइयों को मेरा निवेदन है, बैठ जाइए। 2-4 जने हैं, निकल जाएंगे थककर, उनको नारे लगाने दीजिए, कोई वहां नहीं जाएगा भाई, कोई वहां न जाए। माताओं भाइयों बहनों, आज मैं सहकार से समृद्धि के नारे को सार्थक करने वाले किसान सम्मेलन में आया हूं। मैं सबसे पहले 75 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। समग्र देश के अंदर एक प्रकार से नई ऊर्जा, नए विश्वास, इसका संचार हुआ है। सैकड़ों करोड़ों सालों से प्रयास किए गए, करोड़ों सालों से चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के रहस्य बने हुए थे। दुनिया का कोई देश वहां नहीं पहुंच पाया। मोदी जी ने हमारे स्पेस मिशन को नई गति, नई ऊर्जा दी और आज चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर पहला पहुंचने वाला देश हमारा भारत बना है। इस समग्र देश के लिए गौरव का विषय है। मित्र, मैं आज अभी जो लोग नारे लगाते थे उनको कहना चाहता हूं, नारे लगाने की जगह चंद्रयान को आगे बढ़ाया होता तो आज नारे लगाने की बारी नहीं आती, आपका भी नंबर होता है। सहकारिता मंत्रालय अगर बनाया होता, किसानों का कल्याण अगर किया होता तो आज ये नारे लगाने की जरूर नहीं आती। मित्रों, राजस्थान में आया हूं, मैं ज्यादा पॉलिटिक्स करना नहीं चाहता था मगर अब उन्होंने पॉलिटिक्स की शुरुआत कर दी, मुझे भी मजबूर कर दिया। हमारे दिलीप भाई जरा भोले भाले व्यक्ति है, इफ्को का सम्मेलन था, कल मुझे फोल्डर भेज दिया। मैंने कहा भाई ये फोल्डर मत रखना वरना अशोक गहलोत नाराज हो जाएंगे। तो दिलीप भाई ने पूछा कि फोल्डर में क्या ऐसा है कि अशोक गहलोत चिढ़ जाएंगे। मैं बताऊं आपको क्या था, जानना है भाइयों क्या था अंदर? ये फोल्डर का कलर, वो डायरी का कलर लाल रंग का था। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला, जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारना में छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता, जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जो जाए दो दो हाथ। माताओं, भाइयों, बहनों, एक कांग्रेस सरकार थी और उस वक्त कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए ढेर सारे काम किए और ढेर सारी योजनाएं लॉन्च की और हर किसान को 6,000 रुपया आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है और इसके साथ ढेर सारे कृषि ऋण के काम, फसल बीमा के काम भी किया है। कांग्रेस की सरकार थी, किसान बजट 22,000 करोड़ था। कितना था, जोर से बोलो कितना था? 22,000 करोड़। मोदी जी ने 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। किसानों को 7,00,000 करोड़ का ऋण दिया था, मोदी जी ने 20,00,000 करोड़ तक पहुंचाया। खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, अब 323 मिलियन टन तक पहुंचाया। गेहूं की खरीदी
251 लाख मेट्रिक टन थी, उसको बढ़ाकर 433 लाख मेट्रिक टन करी। और गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया थी, जोर से ताली बजाना, 1400 रुपया से बढ़ाकर 2100 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। सरसों की एमएसपी 3050 रुपया थी, इसको बढ़ाकर 5400 रुपया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और पैक्स को, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को मजबूत करने के लिए 20 से ज्यादा योजनाएं लाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। कोऑपरेटिव को फिर से एक बार, जो किसान के जीवन का सहारा है, ये सहकारिता किसान के लिए बनी है। आजीविको 3500 से ज्यादा सोसाइटियों के माध्यम से सहकारिता का उद्धार कर रही है। परंतु मोदी जी ने तय किया है कि इस देश में 2 लाख नए पैक्स बनाकर हर पंचायत में पैक्स को पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। किसानों को अच्छा बीज मिले, किसानों को अपनी उपज को निकास कर पाए, और इसके साथ साथ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को आगे बढ़ा पाए, इसलिए 3 नई कोऑपरेटिव सोसाइटियों की स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने की। मित्रों, मैं यहां आता था, बीच में काफी किसान खड़े थे स्वागत में, मैंने गाड़ी खड़ी रखी तो एक किसान ने कहा, साहब हमारे राजस्थान में बिजली नहीं मिलती है। मैंने बोला, भाई बिजली में क्या प्रॉब्लम है, अब तो पूरे देश में बिजली है। तो दूसरे ने कहा, एक और बिजली मिलती नहीं है और दूसरी ओर बिजली की खरीदी में धांधली हो रही है। हर चीज पर, किसानों को पानी देना है तो बिजली चाहिए, बिजली देनी है तो बिजली का उत्पादन करना पड़ेगा, मगर गहलोत साहब उत्पादन नहीं करते, उनको खरीदी में, परचेज में इंटरेस्ट है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं आपके सामने आया हूं, ढेर सारे किसानों का डीबीटी के माध्यम से देश के हर किसान को 6000 रुपया भेजकर मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया किसान के बैंक अकाउंट में डालकर किसान मित्र का काम किया है। और राजस्थान 14 और 19 दोनों चुनाव में एक बार 51-55% और एक बार 61% वोट देकर सारी की सारी सीटें मोदी जी के झोली में डाली है। डाली है या नहीं डाली है भाई? अरे जोर से बोलो, डाली है या नहीं डाली है? 24 में चुनाव आ रहा है, मैं पूछने आया हूं सारे किसान भाइयों बहनों को, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जो चाहते हैं जोर से हाथ ऊपर कर नारा लगाए, चाहते हैं या नहीं चाहते? आप 24 के पहले, अरे सुन लिया यार, जोर से लगाओ जरा, मित्रों आपने कह दिया 24 में फिर से सबकी सब सीटें भाजपा को देंगे, मगर 24 के पहले 23 का चुनाव आ रहा है, 24 मेट्रो सीटें तब दोगे जब 23 में यहां तख्ता पलट करोगे। करोगे या नहीं करोगे? जोर से बोलो, करोगे या नहीं करोगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? जोर से बोलो, बनाओगे? सभी की सभी सीटें देंगे?
2023 में भाजपा सरकार बनाएंगे तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए और सभी सीटें जीतने के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अंत में मैं एक बात कहता हूं, घर में कोई भी डायरी हो उसका कलर लाल मत रखना, गहलोत जी नाराज हो जाएंगे, समझ गए ना? लाल डायरी का कलर मत रखना। मेरे साथ बोलो वंदे, वंदे, वंदे। अभी आपने बहुत ही प्रेरक, बहुत बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही प्रेरणा से ओज से परिपूर्ण एक उद्बोधन सुना जो सभी के लिए प्रेरक है।